फिर से जीवित हो जाते हैं ये अनोखे जीव। विश्व में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उनकी एक खास विशेषता होती है, किसी का जीवन बहुत कम होता है तो कई बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे भी हैं जिनकी बायोलॉजिकली मौत नहीं होती है। जानते हैं ऐसे ही जीवों के बारे में जो हमेशा पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। हाइड्रा, इसे आप बहुत सिरों वाला जीव समझ सकते हैं। इसकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। हाइड्रा अपने शरीर को अनेक भाग में विभाजित करके प्रत्येक भाग से ग्रोथ करके नए हाइड्रा में विकसित हो जाता है। देखने में यह आपको ऑक्टोपस जैसा लग सकता है, लेकिन पुनर्तः इसका अंत नहीं होता है। टार्डीग्रेड, पानी में रहने वाला 8 पैरों और 4 एमएम लंबा जीव 30 वर्षों तक बिना खाए पिए रह सकता है और इसमें अंतरिक्ष में भी जिंदा रहने की क्षमता है। यह लगभग -272 डिग्री में बिना किसी परेशानी के रह सकता है। वहीं करीब 150 डिग्री की गर्मी भी आराम से सह लेता है। प्लेनेरियन फ्लेटवर्म, यह प्राणी अमर है। आप इसके लगभग 200 टुकड़े कर दें तो भी हर टुकड़े से एक जीव बन जाएगा। यही नहीं, इसके सिर और नर्वस सिस्टम को भी टुकड़ों में काट दें तो भी यह फिर से बनने लगता है। इसके सेल डेड भी हो जाते हैं तो भी ये नए जीवों को अपने आप से निर्माण कर सकता है। लंबी लिनफिश, कहा जाता है कि यह मछली 5 साल तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकती है। विशेषकर अफ्रीका में पाई जाने वाली यह मछली सूखा पड़ने पर खुद को जमीन में दफन कर लेती है। सूखे के मौसम के दौरान जब यह जमीन के अंदर होती है तब अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को 60 गुना तक कम कर लेती है। अलास्कन वुड फ्रॉग, यह मेक भी अमर है। अलास्का में जब तापमान -20 डिग्री गिर जाता है तब इस मेक का शरीर लगभग फ्रीज हो जाता है और यह शीत निद्रा में सो जाता है। तब यह लगभग 80% तक बर्फ में जम जाता है। इस दौरान उसका सांस लेना भी बंद हो जाता है, हृदय की धड़कन भी बंद हो जाती है। डॉक्टरी भाषा में यह मर चुका होता है, लेकिन जब वसंत की शुरुआत होती है और इसके ऊपर से बर्फ हटती है तो इसके हृदय में अचानक से इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है और उसका हृदय फिर से धड़कने लगता है। इसे फ्रोजन फ्रॉग भी कहते हैं।